आग जीवन का आरंभ है, आग जीवन का अवसान। मेरा अस्तित्व इसी ज्वलंत अग्नि का अंश है जो सूरज का प्रतिद्वंदी है और मेरे चैतन्य का आराध्य। इस शरीर में बहती रक्त की बुढ़मेर नदी को लाल मैंने ही बनाया है। हाँ, मुझसे ही इस चिरोना मिट्टी की देह लाल है। मैंने ही अपनी सांसों से इन लपटों को लालिमा दी है। धरती के गर्भ में उबलती आग्ने को लोह में ढालने वाला अगरिया मैं ही हूँ। इहा हो शिल्पी भाई शिल्पी बनावा, इहा हो शिल्पी भाई शिल्पी बनावा। छत्तीसगढ़ चो विभिन्न प्रकार चो कला, मन के पीला मन के सबके सिखावा। छत्तीसगढ़ चो विभिन्न प्रकार चो कला, मन के सबके सिखावा। इहा हो छत्तीसगढ़ चो कलाकार मन शिल्पी बनावा, इहा हो छत्तीसगढ़ चो कलाकार मन शिल्पी बनावा। देह धोकनी बन करे सांसों की बौछार, ढाल चिरोनी को दिवट नाग हिनोटी खार। पिघल पिघल कर बह रहा भट्टी में से लोह, सरई ताप से स्वर्ण नीर का होने लगा विछोह। पत्थर पर माथा धरे अंगारे की छाप, तप्त अगन से साज रहा देह अगरिया आप, देह अगरिया आप। ईश्वर ही समय के परिवर्तन को शिल्प का स्वरूप प्रदान करते हैं। जब धधकती धरती ने जीवन के अंकुरण को अपनी गोद में जगह दी, तो आदि मानव ने इस कला कौशल को भगवान से उपहार में मांग लिया। अगरिया, ये आदिवासी समुदाय आदिकाल से ईश्वर के शिल्प पुरस्कार को सहेजता आ रहा है। लोहा बनाने और उपयोग में लाने का श्रेय इस धातु विज्ञानी अगरिया जनजाति को ही प्राप्त है। आखेट और युद्ध कौशल के लिए हथियार हो या कृषि के औजार, इन्हें विकसित करने में अगरिया अग्रणी रहे हैं। अगरिया अपनी उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं, आग से ही अगरिया शब्द का जन्म हुआ है। इतिहासकारों की माने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करने वाला ये समुदाय मूल रूप से गोंड आदिवासी समाज का ही एक अंग है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इनके पितृदेव दूल्हा देव हैं। ये वन गोंड देवता बूरा देव और लोहासुर की भी पूजा करते हैं। लोहा गलाने वाले भट्टों में अपने देवताओं का निवास मानते हैं अगरिया और उसकी विधि विधान से उपासना करते हैं। बुढ़मेर नदी की चिरोना मिट्टी से लोहा निकालने और पत्थर को गलाकर लोहा बनाने का काम करने वाले अगरिया आदिवासी द्रविड़ समूह की एक उपजाति के तौर पर भी पहचान रखते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण है कि अगरिया जनजाति का लोह शिल्प रोम से लेकर पर्शिया तक मशहूर था। लोह अयस्क के प्रति अगरिया आदिवासी समाज की वैज्ञानिक समझ के कारण ही पूरे विश्व में भारत के लोह उद्योग का वर्चस्व था। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 3 में उल्लेखित दक्षिण के प्रतापी शासक टीपू सुल्तान की अजय तलवारों का निर्माण अगरिया समुदाय के लोहारों और कारीगरों ने ही किया था। मध्य भारत में निर्मित तलवारों को जंग न लगने के खास गुण के साथ अपने घुमावदार गोल आकार के कारण अजय माना जाता है। वर्तमान में ये तलवारें इंग्लैंड के संग्रहालय की अमूल्य धरोहर हैं। पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान वाली सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं कांधे से कांधा मिलाकर इस पारिवारिक उद्योग में सहयोग करती हैं। लोह अयस्क की पहचान वाले पत्थर को बीन कर लाने
और अंगार भट्टों को बनाने में इस समाज की स्त्रियां निपुण होती हैं। प्राचीन साक्ष्य को स्वीकारें तो अगरिया के अंगार भट्टे और धोकनी को देखकर ही महर्षि पतंजलि ने भस्त्रिका प्राणायाम को प्रतिपादित किया है। निर्बल को न सताइए, बाकी मोटी हाय, मरे चाम की धोंक से लोहा भस्म हो जाए।